हाय गाइज, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप यदि इसका जवाब पहले से जानते होंगे तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ऐसे ही भरोसेमंद प्रश्नों को रोजाना पाने के लिए तथा प्रत्येक दिन के करेंट अफेयर सुबह में एनालिसिस के साथ पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है न्यूयॉर्क को, स्टॉकहोम को, ऑप्शन सी है लंदन को तथा ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी को। आपके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद आपको उसका जवाब पता चलेगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि वाशिंगटन डीसी को। आपका अगला प्रश्न है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी तथा ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। आपका अगला प्रश्न है, सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है मैरी कॉम, आपका ऑप्शन बी है बबीता फोगाट, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा तथा ऑप्शन डी है मनिका बत्रा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि मैरी कॉम। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन ए है मसूरी में, ऑप्शन बी है शिमला में, ऑप्शन सी है रुड़की में तथा ऑप्शन डी है गढ़वाल में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि शिमला में। आपका अगला प्रश्न है, गोल क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है आलू से, ऑप्शन बी है आंवला से, ऑप्शन सी है संतरा से तथा ऑप्शन डी है, बाय मिस्टेक यहां से लिखा गया संतरा से ही, यहां ऑप्शन डी है तरबूज से। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि आलू से। आपका अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहां पर है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जिनेवा में, ऑप्शन बी है स्कॉटलैंड में, ऑप्शन सी है ब्रुसेल्स में तथा ऑप्शन डी है लंदन में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रुसेल्स में। आपका अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है तेलंगाना में, ऑप्शन सी है राजस्थान में तथा ऑप्शन डी है केरला में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि केरल में। आपका अगला प्रश्न है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार करती है? तो आपका ऑप्शन है विशाल, ऑप्शन बी है हाथी, ऑप्शन सी है प्यादा तथा ऑप्शन डी है घोड़ा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि प्यादा। आपका अगला प्रश्न है, मालगुड़ी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? आपका ऑप्शन है आर के लक्ष्मण, ऑप्शन बी है गिरीश कर्नाड, ऑप्शन सी है आर के नारायणा
तथा ऑप्शन डी है शंकरनाग। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि आर के नारायणा। आपका अगला प्रश्न है नामटोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में तथा ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटका में। आपका अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन है केरल में, ऑप्शन बी है गोवा में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में तथा ऑप्शन डी है गुजरात में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 321, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 322 तथा ऑप्शन डी है अनुच्छेद 323। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 331। आपका अगला प्रश्न है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था। आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त तथा ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन है बिहार राज्य, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा तथा ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किसके सिवाय सभी राज्यों से होकर गुजरती है। आपका ऑप्शन है गुजरात राज्य, ऑप्शन बी है मिजोरम राज्य, ऑप्शन सी है हरियाणा तथा ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हरियाणा। हरियाणा के सिवाय अन्य सभी ऑप्शन में जो दिए गए हैं राज्य उन सभी राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है सिवाय हरियाणा के। आपका अगला प्रश्न है किस वर्ष में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1971 1942 तथा ऑप्शन डी है 1991। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 1971 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है। ऑप्शन ए है विशाखा हरी, ऑप्शन बी है इला अरुण तथा ऑप्शन सी है अनिमा चौधरी तथा ऑप्शन डी है शारदा सिन्हा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि शारदा सिन्हा। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे उत्पादक राज्य है। आपका ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है ओडिशा तथा ऑप्शन डी है झारखंड। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी है उड़ीसा में, ऑप्शन सी है गुजरात में तथा ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़ में। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है, फ्लाविन एम्पी थिएटर के रूप में जाने जाने वाला कोलोसियम कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है रोम में, ऑप्शन बी है मिलान में, ऑप्शन सी है लंदन में तथा ऑप्शन डी है वेटिकन सिटी में। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि रोम में। तो यह था दोस्तों हमारा आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। ऐसे ही रोजाना अपडेट्स पाने के लिए तथा सुबह में करेंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ पाने के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त करने के लिए आप हमारे सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर आप जाइए, सभी के सभी सोशल मीडिया के लिंक पर क्लिक करके हमारे सभी सोशल मीडिया पर फॉलो तथा ज्वाइन कर सकते हैं। आप सुबह में करेंट अफेयर्स के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार से विकसित करें कि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।